मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस बार मध्य प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। इसके साथ ही चुनावी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 52 जिलों के 875 जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए चुनाव होंगे। इसके अलावा जनपद पंचायत सदस्य 6771 हैं, सरपंच 22,921 और पंच के लिए 3,63,726 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। पंचायत चुनाव के लिए 71,645 वोटिंग सेंटर बनाए जाएंगे। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होगा। निर्वाचन की अधिसूचना हर जिले के कलेक्टर एक साथ 30 मई को जारी करेंगे। वहीं नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जून है, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 10 जून दोपहर 3 बजे रहेगी। चुनाव चिन्ह का आवंटन 10 जून की शाम को होगा, जबकि प्रथम चरण का मतदान 25 जून को और दूसरे चरण की वोटिंग 1 जुलाई, वहीं तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को होगा। मतगणना का पहला चरण 28 जून, मतगणना का दूसरा चरण 4 जुलाई और मतगणना का तीसरा चरण 11 जुलाई होगा। ग्राम पंचायत निर्वाचन का परिणाम 14 जुलाई को घोषित किया जाएगा। वहीं जनपद पंचायत निर्वाचन का परिणाम भी 14 जुलाई को ही आएगा। वहीं जिला पंचायत सदस्य का परिणाम 15 जुलाई को घोषित होगा। इसके साथ ही राज्य में पंचायत आचार संहिता खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।